हेलो एम आई ऑडिबल प्लीज़ मुझे बताएं जो भी स्टूडेंट से आम मौजूद हैं प्लीज़ लेट मी नो आई ऑडिबल ऑफ यू मेरे से ऑडिबल बीच बीच में आ रही है क्या बाज हलो हेलो 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 Hello. Hello, hello. कैसे हैं अब गुरु ज्ञान नॉइस शुरू हो गया क्या एक मिनट एक मिनट रुकना मुझे पता है नॉइस आ रहा है थोड़ा सा प्लीज कैसा है सारा यार एक मिनट है Yeah. Hello, hello. Hello, hello. 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 Next चॉइस रहेगा यार आज लग रहा है दस सेकंड वेट करता हूँ उसके बाद इसे वरना हम पोस्टपोन करते हैं पोस्टपोन ही करना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा साउंड है यार थोड़ा सा रैंडम हो गया अब जरा है ना ये कभी भी हो सकता है हेलो एक वायर लूज़ हो गया एक्चुअली उसके कारण फिलहाल आई थिंक सही है हेलो चलिए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अगर बाई चांस अगर ऐसा कुछ होता है नॉइस का प्रॉब्लम बाई चांस अगर आता है अगर बाई चांस नॉइस का नॉइस वगैरह आती है तो फिर हम क्लास को अपनी कैंसिल कर देंगे आज की क्लास को पोस्टपोन कर देंगे ठीक है फिलहाल मुझे लग रहा है कि सब कुछ ठीक है गौरव ठीक है हमें बारह मिनट हो गए सब काम करते हुए देखो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम हमने कुछ चीज़ें की थी आपको अगर याद होगा v इज इक्वल टू यू प्लस एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस ये तीन इक्वेशंस हमने लास्ट टाइम डिराइव है हमने देखा है कि इन्हीं को कानामेटिक की इक्वेशन कहा जाता है इक्वेशन ऑफ काइनामेटिक्स या इक्वेशन ऑफ मोशंस इसमें जो खास बात है वो ये कि ये तीनों के तीनों वैलिड है ओनली इफ ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ए यानी कि होता है एक्सेलरेशन हमने देखा कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा उसी समय ये चीज़ें वैलिड होती हैं इसका मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की कंडीशंस जब अप्लाइड होंगी तभी जाकर ये चीज़ आप कह सकते हो कि सही है ठीक है ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ है अब मैं आपको कुछ एप्लीकेशन यहाँ पर लगे हाथ बता देता हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाए जो लास्ट टाइम मैंने डिस्कस नहीं करी थी क्योंकि मुझे आज आगे बढ़ना है ग्राफ्स को मैं आज डिस्कस करना है देखो जब आप कहते हो v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी एक बारी के लिए ऐसा हम करते रहेंगे फिजिक्स पढ़ते समय ताकि चीजों को अच्छे से फील कर सकें क्या करेंगे हम बोलेंगे सर इफ इफ एक बारी के लिए चीज को फील करने के लिए ए इज इक्वल टू जीरो एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है चेंज इन विलॉसिटी इज इक्वल टू जीरो और चेंज इन विलॉसिटी इसका मीनिंग क्या है इसका मतलब है चेंज इन विलॉसिटी इज इक्वल टू जीरो और इसका एक ही मतलब है कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है यही तो मतलब होगा और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का एक ही मतलब है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है ऐसा ही है यूनिफॉर्म मोशन है जो हम ऑलरेडी इससे पहले पढ़ चुके हैं जहां पर कांस्टेंट होती है वेलोसिटी अब अगर आप समझोगे बात को जिस समय ए ज़ीरो होगा ये इक्वेशन निकाल के दे रही है वी बराबर यू ओनली जो आपको पूरी कहानी नीचे से पता चल पाई बिना मैथ्स लगाए वो यहाँ पर भी पता चल रही है क्योंकि ये कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी क्योंकि अगर आपको याद होगा इसको मैंने नाम दिया था इनिशियल वेलोसिटी समझना बात को इंटरेस्टिंग बात है इनिशियल विलॉसिटी ऑब्वियस है और ये वाला अगर आपको याद होगा दिस वाज फाइनल वेलोसिटी हमने इसे फाइनल वेलोसिटी कहा था ठीक है और अगर आप देख पाओ मैथ्स क्या कहती है मैथ्स कहती है वेन ए इक्वल टू देन वी विल बी इक्वल टू यू यानी जब एक्सलरेशन जीरो होगा तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम हो जाएगी ये मैथ्स कह रही है लेकिन रियलिटी अगर हम वैसे चेक करें सोचे फिजिकल लेवल पे कि मतलब क्या होता है कि जब ए जीरो होता है ए जीरो होने का मतलब चेंज इन विलॉसिटी जीरो है विलॉसिटी में चेंज नहीं है अगर विलॉसिटी में चेंज नहीं है तो विलॉसिटी कॉन्स्टेंट है विलॉसिटी कॉन्स्टेंट है यानी यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन का एक ही मतलब होता है कि कभी भी देख लो विलॉसिटी सेम मिलेगी इसीलिए इनिशियल और फाइनल दोनों सेम मिलेगी यहीं पर बोला जा रहा है और मैथ्स यहीं पर बोल रही है बातें ऑबियस है सिर्फ दिखाने वाली चीज़ है इसमें ज्यादा बोलने वाली चीज़ नहीं है आई थिंक ठीक है आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी आई थिंक आई डी एक्स आप टाइम से आ गए हो आज में ना ठीक है प्लीज़ मुझे बता दे थोड़ा वॉइस वगैरह और वो ठीक है आपको मैं बताऊँ मैं डियॉल काम कर रहा हूँ एक साथ मेरे कान पर लगा है मेरी आवाज़ मेरे कान पर आ रही है मैं जो अभी रियल आवाज़ है ना अपनी वो नहीं सुन पा रहा एक्चुअली ठीक है, है। इसीलिए कि वो बीच में कुछ वाइब्रेशन ना हो आपको प्रॉब्लम ना हो ठीक है तो आई थिंक ये क्लैरिटी आपको होगी इस तरह की क्लैरिटी होनी चाहिए अच्छा इसमें आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट टाइम निकाली थी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि टी टाइम इंटरवल है जिस टाइम इंटरवल में आप बातें कर रहे हैं कौन सा टाइम इंटरवल है सर सर एक्चुअली एक्स बराबर था एक्स माइनस एक्स नॉट बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी अगर आपको याद आ रहा होगा तो एक्स क्या है एक्स है पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम टी इज इक्वल टू टी सेकेंड देखो आपको याद हो मतलब समझ में आना चाहिए मैं लिख के आ रहा हूं तभी जाके बात बनेगी ये है पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू टी सेकेंड एक्टर एक्स नॉट क्या था पोजिशन ऑफ पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू जीरो कर लिया था यानी इनिशियल पोजिशन है और ये एट टी सेकेंड बाद टी सेकेंड बाद कहां पहुंचा है? ये उस पोजिशन को बता रहा है और ये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है तो ये टी नहीं है सिर्फ ये टी माइनस जीरो है यानी ये टाइम इंटरवल है किन टाइम इंटरवल किसके बीच का पोजिशन एक्स से ओ माय गॉड ये पोजिशन एक्स एक्स नॉट से एक्स तक जाने में जो टाइम लगा वो टाइम है टी ठीक है हाँ तो आई थिंक आपको एक क्लैरिटी यहां पर हो जानी चाहिए ठीक है ये यहां का क्लैरिटी है अब लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूले पे थोड़ा डिस्कशन कर रहा हूं क्योंकि डिराइव वगैरह मैं करवा चुका हूं अभी थोड़ा मैंने जनरल मीनिंग भी बता दिया अगर मैं इस पर दोबारा से कुछ ऐसी बातें करता हूं जैसे मैं बोलता हूं इफ ए इज इक्वल टू जीरो सिर्फ फील करने के लिए एक्सलरेशन जीरो है अगर तो ये कहता है कि एस इज इक्वल टू यू टी होगा यानी कहने का मतलब है ये कह रहा है कि जो आपने बेसिक चीज पढ़ी थी वो बिल्कुल वैलिड रहेगी हमने पढ़ा था बेसिक चीज कि अगर आपको याद होगा मैंने बताया था आपको कि विलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इस तरह की चीज मैंने आपको बताई थी क्या ये हम जानते हैं विलॉसिटी की बेसिक डेफिनेशन वही आ रखी है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू विलॉसिटी इन टू टाइम वही आ रखा है तो अब आप बात समझ रहे होंगे कि जब हम बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू विलॉसिटी इन टू टाइम तो वो होता है सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन में अगर हमें प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट निकालना है और मोशन यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर ये फॉर्म वैलिड होगा क्योंकि ये जनरल है ये बोलता है अगर ए जीरो यानी यूनिफॉर्म मोशन है तब तो वही जो आप लगाते थे ठीक है तो समझ यहाँ से कुछ बताया नहीं है सिर्फ देखना है इन चीज़ों को ऑब्जर्व हो जाइए अपने आप जनरली खुद ही करी जाती है लेकिन मैं करा दे रहा हूँ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस इसमें ज़्यादा खास बोलने लायक नहीं है जरूरी नहीं है आपकी ए को जीरो रखो वगैरह वगैरह इसमें कुछ खास बोलने लायक नहीं है इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ जबरदस्ती नहीं है ये एक टॉपिक रह गया था लास्ट में से फटाफट कवर करता हूँ उसके बाद मैं आपको ग्राफ डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ ठीक है इसका मैं आपके साथ ग्राफ डिस्कस कर रहा हूँ प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखने की हो रही है ठीक है आराम से इस टॉपिक को समझो इस टॉपिक में कई बार क्वेश्चन पूछे आते हैं डायरेक्टली जब क्लास इलेवेंथ में बच्चा पढ़ता है तो कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल पूछ ले जाता है कई बार इसी को पूछ लिया जाता है एग्जैक्टली exactly आपके सामने लिखा हुआ है और इसका मतलब समझोगे तभी जाकर बात बनेगी देखो मीनिंग क्या है इसका जैसे ना अगर कोई बच्चा है छोटा वो तीन महीने का है या छः महीने का है तो आप क्या बोलते हो उसका कौन सा साल चल रहा है जनरली आप लोग को मतलब मतलब आपने शायद कभी बोला ना हो या इस तरह का लेकिन अगर आप पूछो कि घर में आपकी मम्मी से पापा से वो आपको आसानी से बता देंगे कि बच्चे का पहला साल चल रहा है वैसे आप भी बोल लोगे सर ये तो बहुत आसान है सीधी सी बात है लेकिन ऐसे ही अब अभी आपको आसान लगा लेकिन मैं अगर कहूँ कहूँ कि एक बच्चा एक महीने सात एक साल सात महीने का है तो कौन सा साल चल रहा है इसे दूसरा साल चल रहा है कहेंगे हम पहला साल चल रहा है नहीं कहेंगे तो इन जनरल अगर मान लिया कोई बच्चा छः महीने का है आज तो हम कहते हैं कि इसका पहला साल चल रहा है समझ में अब आप रिलेट करोगे मैं क्यों कहना चाह रहा हूं जैसे मान लेते हैं हम यहां पे बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इन एन एथ सेकंड ऑफ मोशन यानी ये t इज इक्वल टू जीरो सेकेंड की बात है ये मान लेते हैं वन सेकेंड की बात है ये मान लेते हैं टू सेकेंड की बात है मान लेते हैं थ्री सेकेंड की बात है मान लेते हैं फोर सेकेंड की बात है ऐसे करके मानते रहते हैं ठीक है अब समझ समझना अगर मैं कह रहा हूं कि इस पार्टिकल का जो भी मोशन कर रहा है मान लेते हैं तो. कि ये पार्टिकल कोई एक्सेलरेशन ए के इन्फ्लुएंस में है यानी एक्सेलरेशन इस पार्टिकल का ए है ठीक है और इसे एक बारी के लिए हम बोल देते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक बारी के लिए हमने इसे अगर मान लिया एक्सेलेशन ए तब तो हम है कह रहे हैं कि इस पार्टिकल के अपने तीसरे सेकंड में वे, इसकी वेलोसिटी इस तीसरे सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इसका तीसरे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना डिस्प्लेसमेंट एन ए सेकंड ऑफ मोशन अब तीसरे सेकंड का मीनिंग जो होता है ना वो निकलता है इससे इसके बीच में जैसे मैं कहता हूँ कि कोई बच्चा अगर चार मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई बच्चे का पहला साल चल रहा है इसका मतलब यहाँ पे आई एम सॉरी ये मैंने गलत किया उस हिसाब से आ, इसको हटाने का को कोई तरीका है क्या यही एक तरीका ओ माई गॉड देखो मैं आपको दिखाता हूँ अगर आप करते हुए आते हो इस चीज़ को यहां पर कहीं पे आप बोलते हो कि एन एथ सेकेंड हुआ इन जनरल क्योंकि हमें एनएथ पे बात करें तो एन से एक पहले एन माइनस वन हुआ और एन के एक बाद एक एन प्लस वन हुआ अब मुझे आप अगर बताएं कोई पूछेगा एन एथ सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है जैसे हम पूछते हैं कोई बच्चा छः महीने का है तो उसका कौन सा साल चल रहा है सर उसका पहला साल चल रहा है यानी हम उससे अब जैसे यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि एन एथ सेकंड में तो मुझे कौन सा डिस्प्लेसमेंट निकालना है सर मुझे ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहिए ये वाला डिस्प्लेसमेंट एन एथ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट ये वाला है जो आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है ठीक है या या फिर ये वाला है ये आपके सामने क्वेश्चन है आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि विच वन इज राइट अगर मैं पूछ रहा हूँ कि एनएथ सेकंड में कौन सा मोशन है तो इन दोनों में से कौन सा मोशन है एन एथ सेकंड में वो बताओ और मैं इसको थोड़ा बंद कर देता हूँ यार मेरे कान में बजने में लगा हुआ इतनी देर से ठीक है क्या कोई प्लीज बता सकता है जो मैंने बोला मैंने पूछा क्या है एटलीस्ट मैंने पूछा क्या है मैंने ये पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट इन एनएच सेकंड ऑफ मोशन एनएच सेकंड ऑफ मोशन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा किसी पार्टिकल का यानी कोई पार्टिकल फॉर एग्जांपल पांचवें सेकंड में उसका मोशन उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस तरह की लगभग मैं कुछ चीज आपसे पूछ रहा हूं ठीक है इन दोनों में से कौन सा राइट आपको लग रहा है इसको मैं पहला नाम देता हूं उसको मैं सेकंड नाम दे देता हूं आपको क्या लग रहा है कि कौन सा वाला डिस्प्लेसमेंट ये वाला डिस्प्लेसमेंट इसकी बातचीत चल रही है एन एच सेकंड ऑफ मोशन में होने वाला डिस्प्लेसमेंट आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा होगा देखिएगा मुझे ना एक तो डर भी लग रहा है कि कहीं वो माइक हिल ना जाए यार बड़ी मुश्किल से चिपका रखा उसे मैंने ठीक है हाँ चलो ठीक है देखो हो गया, गया ये एन एच सेकेंड है तो जब हम पूछते हैं कि एनएच सेकंड का मोशन क्या है तो बेसिकली हम इस डिस्प्लेसमेंट की बात करना चाह रहे हैं जैसे मैंने आपको बोला नहीं कि कोई कहता है कि उसका पहला साल चल रहा है तो पहला साल मतलब जीरो से लेके वन ईयर तक का साल पहला साल कहलाएगा फॉर एग्जाम्पल कोई कह रहा है इसका पांचवा साल चल रहा है बच्चे का इसका मतलब हुआ कि चार साल फोर प्लस फाइव माइनस ठीक है जब कोई कहता है कि, कि किसी बच्चे का पांचवा ईयर चल रहा है उसका ठीक है कोई बच्चा पांचवे ईयर में चल रहा है इसका एक ही मतलब है कि वो इस ब्रैकेट में है फोर टू फाइव के ब्रैकेट में यानी चार से बड़ा पांच से छोटे वाले ब्रैकेट में इसी तरीके से हम कह रहे हैं कि कोई डिसप्लेसमेंट एनएथ सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है एनएथ सेकंड की जब हम बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे उससे एक कम जैसे पांचवा बोला था तो पांचवे से एक कम यानी पांच से ऊपर नहीं जाएगा वैसे एनएथ की बात कर रहे हैं तो इस ब्रैकेट में वो लाई करना चाहिए आई थिंक ये एक बेस्ट है इसे समझ में आ चुका होगा ठीक है तो असल में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर मैं कहूं यहां से लेके यहां तक के डिस्प्लेसमेंट को ऐसेन अगर कहता हूं पूरा और यहां से लेके यहां तक के डिस्प्लेसमेंट को हम दिखा सकते हैं एस एन माइनस वन से तो अगर आपको ये वाला निकालना है तो ऑब्वियसली हमें समझ में आ रहा होगा कि हमें अगर एन एथ या टी एच लिखना बहुत ज़रूरी है अगर ये निकालना है तो हमें एस ऑफ एन में से एस ऑफ एन माइनस वन को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए शायद आपको क्लैरिटी होगी ये बेस्ट एक्जाम्पल लगता मुझे है मुझे बर्थडे वाला इसलिए मैं बोल देता हूँ अक्सर वरना बहुत कन्फ्यूजन होता है इसको बच्चों में मतलब बच्चों में इससे बहुत कन्फ्यूज़न होता है अदरवाइज आपको मेरी बातें ना कुछ इधर उधर जाती भी लग रही होंगी तो थोड़ा सा वो कर लेना मैं बीच मेरे ना एक्चुअली ये भी लगा हुआ है फिर मुझे कोई बताएगा आप बताओगे लेट हो जाएगी वाइब्रेशन होंगे इसीलिए क्योंकि माइक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है ठीक है मैं अपनी आवाज़ जो अभी मैं बोल रहा हूँ रियलिटी में वो नहीं सुन पा रहा हूँ ठीक है ठीक है तो बस इतना सा ही काम करना है अब आपको पता है कि एन सेकंड में ये सिंपल सी बात है एन सेकंड यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल इस एन को मान लो आप 10 सेकंड तो 10 सेकंड में पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट करता है वो तो हमने पड़ा सार्मूले से एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क् यह बताता है जितने भी सेकंड में आपको चाहिए वो टी के प्लेस पर रख दो जैसे यहां पर अगर मुझे चाहिए यू एन रख दूंगा क्योंकि एन हमने सेकंड को एन सेकंड बोल रखा है टी के प्लेस पे प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर बस और सेम काम आपको यहां करना है लेकिन इस बार टी के प्लेस पे एन माइनस आना चाहिए है ना तो माइनस यू ऑफ टी के प्लेस पे एन माइनस वन यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर ये बस हो गया कहानी खत्म अब इसको सिंपल सॉल्व करना है आप बोलोगे यू एन प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर सिंपल सॉल्व कर लो बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है माइनस चलो एक बार ओपन कर लेते हैं कोई बात नहीं यू एन टू एन यू एन माइनस का वन यू हो जाएगा उसके बाद प्लस का हाफ ऑफ ए ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस वन माइनस का टू एन गॉट इट बस इतनी सी बात है अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हो तो देखो यू एन नेगेटिव से यू एन पॉजिटिव कट रहा है हाफ ए एन स्क्वायर ये है नेगेटिव का हाफ ए एन स्क्वायर ये हो जाएगा तो ये कट जाएगा हाफ ए एन स्क्वायर इसलिए कट गया अब बचा हुआ जो हमारे पास वो मैं लिख लेता हूँ माइनस माइनस हो गया प्लस का यू और हमारे पास बच गया ये माइनस ध्यान रखना प्लीज हम माइनस और ये माइनस जाएगा इसके पास यहाँ जो बचा हुआ पहले मैं लिख लेता हूँ ए बाई टू और उसके ब्रैकेट में जो कुछ है पहले लिख देता हूँ उसके बाद एक लाइन लेके सॉल्व कर ली ये आपका रिजल्ट है अगर आप देखना चाह रहे हो मैं यहीं पर कहीं पर लिख देता हूँ ठीक है फाइनल कर देता हूँ और यही हमारा आंसर है बता ये क्या हुआ आज के किस्मत पूरी तरीके से हमारे खिलाफ है यार ये ऐसा होता नहीं है अब ये भी हो गया बताओ अब इसमें मैं क्या करूँ यार ये भी आज हमारे खिलाफ ही है पूरा का पूरा सिस्टम रीओपन होगा अभी लेकिन उम्मीद करते हैं वाला डेरिवेशन हो चुका है सिंपल सा एक उसमें था थोड़ा वेट करेंगे यार अब है ना ये ऑटोमेटिकली बंद हो गया कुछ इसमें सिस्टम में अपडेट आया होगा ना और अपडेट ऑटोमेटिकली रखा होगा उसे ऑन तो उस चक्कर में वो री स्टार्ट हो गया पासवर्ड छुपा लेता हूँ भाई चलिए आज का जो टॉपिक है वो आप स्टार्ट करते हैं टॉपिक रह गया था एक्चुअली ठीक है जो मैंने आपको ये बताया अब स्टार्ट करें थोड़ा पोजिशन टाइमग्राफ वगैरह मुझे लगता है माइक वगैरह भी सेट है सही है तो उसकी टेंशन भी नहीं लेनी आज इसे फिनिश ही कर लेंगे थोड़ा टाइम जितना भी लग जाएगा फिर हमारा एक बहुत छोटा सा टॉपिक बचेगा रिलेटिव वेलोसिटी अगले लेक्चर में हमारा फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ठीक है ये फिनिश हो जाएगा भाई खुल जाए यार आज के दिन ही मतलब यार इनको सबको न करे आज के दिन दिखाने हैं बस हो गया चलो यार ठीक है थैंक्स करते हैं स्टार्ट ठीक है वो मैंने आपको पढ़ा दिया आप अब अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम ठीक है ये हमने पढ़ लिया ये टॉपिक पढ़ लिया पोजिशन टाइग्राफ पड़ रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए आपको याद होगा पोजिशन टाइग्राफ का मतलब क्या बहुत प्यार से कर रहे हैं आपको याद होगा पोजीशन टाइग्राफ हमने यूनिफॉर्म मोशन के लिए पढ़ा था और वो स्ट्रेट लाइन आया था आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए मैंने क्या क्या बोला था क्योंकि दो बार रिवाइज कराया था अब एक बार बहुत अच्छे तरीके से हम इसको कवर कर रहे हैं ये टॉपिक को इसमें क्या है और कुछ नहीं है हमें एक फॉर्मूला को टेबिलेट करना होगा देखो दिखाता हूँ पोजिशन टाइग्राफ का मतलब है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफेटी स्क्वायर अभी रिसेंटली हमने फॉर्मूला पढ़ा पढ़ा कि नहीं पढ़ा इस फॉर्मूले का सिर्फ मतलब इतना है कि x माइनस एक्स नॉट बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ एट ई स्क्वायर है इस तरफ हम वैसा वर्क करेंगे टेबिलेट करने वाला और उस तरफ हम ग्राफ बना देंगे ठीक है तो मुझे लगता है थोड़ा और सही रहेगा थोड़ा और ले लेते ले हैं -ले -ले उतने हिस्से में वो बन जाएगा इतने समय ग्राह बन जाएगा तो कुल मिलाकर के बात यह है कि हम एक ऐसे मोशन की बात कर रहे हैं जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कुछ कॉन्स्टेंट होगा तो हम कुछ सपोज कर लेते हैं जैसे लास्ट टाइम हमने कुछ सपोज किया था एक छोटा मोटा सा फिगर मान लेते हैं जो हमारी कैलकुलेशन को थोड़ा ईजी रखे ठीक है इसमें ऐसा कर रहे हैं आरडी गौरव गुरु ज्ञान इधर देखिए प्लीज तो हम मान लेते हैं कि लेट से लेट एक्स नाट बराबर ए uh, और यहाँ पे रखूँगा ए बराबर मान लेता हूँ मान लेते हैं टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है जो कि कॉन्स्टेंट है मान लेते हैं कि इनिशियली जो पार्टिकल है वो किसी डिस्टेंस फाइव मीटर पे मौजूद है ठीक है अभी मैं समझा दूंगा आपको उसका मतलब मान लेते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो फाइव मीटर पर सेकेंड है ये भी हम मान लेते हैं जो जो कांस्टेंट टर्म है वो सारे मैंने मान लिए क्योंकि ये सारे के सारे कांस्टेंट टर्म है जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलेशन कांस्टेंट रहेगा पार्टिकल इनिशियली देखो अगर चीजों को बहुत आसान रखना है तो मैं इसे जीरो मान सकता हूँ एक्सनॉट को लेकिन मैं मानूंगा तो आपको तकलीफ होगी कि क्यों माना जीरो इसलिए मैं नहीं मान रहा मैं जनरल मानता हूं चीज़ों को इसलिए जनरल माना कि कहीं है वो जीरो पे नहीं है जीरो एक पर्टिकुलर केस हो जाएगा इनिशियल कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी मैंने पांच मीटर पर सेकंड मान ली इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी मानना चाह रहे हो अगर आपका मन करे तो थोड़ा और छोटा फिगर ले लो और मेरा मन तो इतना छोटा फिगर लेने का कर रहा है कि वन ले लो लेकिन वन थोड़ा जनरल हो जाएगा टू लूँगा तो वो इसकी तरह हो जाएगा इसीलिए थ्री ले लेता हूँ यार क्योंकि चीज़ें थोड़ा सा जनरल लगनी चाहिए अगर टू लूँगा तो फिर वो एक्सलेशन वो एक जैसे हो जाएंगे चलिए अब हमें सिर्फ एक टेबल बनानी है जिसमें हमें वैल्यूज़ को नोट करते हुए लिखना है कि एक्स की वैल्यू क्या है क्योंकि एक्स हमारी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी टाइम टी पर बस हमें टी और एक्स के बीच में ग्राफ बनाना है तो मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ कि हमारा जो ग्राफ बनेगा वो एक्स और टी के बीच में बनेगा ठीक है ये हमारे पास t यानी कि टाइम की एक्सेस होगी जो कि हम सेकंड में मेज़र कर रहे होंगे और ये हमारे पास होगी x एकस की एक्सेस जो कि हम मीटर में मेज़र कर रहे होंगे यानी कि पोजीशन की एक्सेस होगी बस इसमें हमें प्लॉट करके देखना है कि ग्राफ का नेचर किस तरीके का होता है कैसा दिखता है मैं आपको बाद में शॉर्टकट भी बता दूंगा कि कैसे इसे किया जा सकता है फिलहाल हम एक टेबल बनाएंगे इस टेबल में हम क्या देखने वाले हैं देखो एक जो टेबल बनेगी इस टेबल में हम एक्स और टी को रखने वाले हैं यानी कि यहाँ कहीं यहीं पर मैं रखूँगा एट टाइम को और यहाँ पर रखूँगा मैं एक्स को टाइम यानी कि सेकंड में मेजर होगा एक्स यानी कि मीटर में मेजर होगा जो कि पोजीशन है जो कि सामने दिखा रखी है मैं बोलता हूं सबसे पहले टी इजिक्वल टू जीरो सेकंड ले लूंगा वन सेकंड ले लूंगा टू सेकंड ले लूंगा थ्री सेकंड ले लूंगा ज्यादा नहीं लेंगे फोर तक ही लेंगे तो मेरे ख्याल से इनफ है ठीक है अब हमें एक एक करके काम करना है पिछली बार की तरह उतना ईजी नहीं है एज कंपेयर मैं आपको क्या काम करूंगा यहाँ पर मैं आपको बनाकर के यहाँ पर दिखा देता हूँ टेबल में कैलकुलेशन यहाँ कर दूंगा रफ फिर उन कैलकुलेशन को यहाँ नोट कर लूंगा और उसे रफ कर दूंगा कैलकुलेशन को देखो जब आप टी इज इक्वल टू जीरो रखो सिंपल वैल्यूज रखो जैसे ही आप टी यहां जीरो रखते हो कुछ वैल्यूज हैं जो फिक्स हैं जैसे x माइनस एक्स नॉट आपका फिक्स है जो कि आपको पांच रख लेना चाहिए यू टी को यू टी रखो ओ माय गॉड, यू टी को यू टी नहीं यू को यू वैल्यू uh, डाल दो यू की तीन मानिए आपने ये हो गया टी प्लस हाफ ए की वैल्यू आपने मानी है टू तो ये आपके लिए इजी हो गया टू टू कट गए आपस में तो ये आपके लिए ये अच्छा कैलकुलेशन हो गया कि पे वन बचेगा सिर्फ और टी स्क्वायर यानी सिर्फ टी स्क्वायर बचेगा आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातचीतों को मैंने किया क्या कुछ भी ऐसी अलग सी चीज़ नहीं कर रखी है सिर्फ वैल्यूड आ गया. तो मेरे लिए अभी काम की चीज़ ये बनी है यानी अगर इसको और थोड़ा मॉडिफाई करने का आपका मन है तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो कि एक्स बराबर निकल के आ रखा है अभी इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग टी स्क्वायर प्लस थ्री टी और वो वाला जो माइनस फाइव है वो इधर आ जाएगा तो आप अब एक बहुत इजी काम करना है आपको आपको सिर्फ यहाँ पर टी रखते रहना है और आपको एक्स मिलता रहेगा इतना ही काम है टी जैसे ही जीरो रखोगे वहाँ आप देखो फाइव मिलेगा तो रखो प्लीज़ आराम से टी वन रखो देखो वन का स्क्वायर वन थ्री वन जार थ्री और फाइव फाइव तो फाइव तो थ्री एट एट वन नाइन तो ये नाइन आएगा ईजी हो गया देखो मैंने ईजी कितना ईजी कर दिया अभी टू रखना है देखो टू का स्क्वायर फोर फोर और थ्री टू जो सिक्स सिक्स और फोर टेन टेन फाइव फिफ्टीन फिफ्टीन रख दो अब बारी आती है थ्री की थ्री देखो थ्री का स्क्वायर होता है नाइन और थ्री इंटू थ्री होता है नाइन 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 एटीन एटीन फाइव ट्वेंटी थ्री ठीक है कुछ भी रख सकते हो मैंने बहुत रैंडम अगली बार मैं आपको जब पढ़ाऊंगा मैं कुछ और ले रहा यह फिगर क्योंकि ये रटे हुए या याद करे हुए फिगर्स नहीं है कुछ भी जो मना है वो रखते हैं हाँ इतना ध्यान जरूर रखा जाता है कि फिगर थोड़े छोटे छोटे तो ये कैलकुलेशन में थोड़ा इजीनेस रहे अच्छा उसके बाद बचा चार चार का स्क्वायर सोलह चारती बारह सोलह दो छब्बीस दो अट्ठाईस अट्ठाईस पांच आठ पांच से तैतीस थर्टी थ्री हो रहा है मैं दोबारा एक बार थ्री चेक कर लेता हूं फोर का स्क्वायर सिक्सटीन और फोर थ्री हर ट्वेल्व सोलह दस छब्बीस दो अट्ठाईस अट्ठाईस पांच तैतीस ठीक है तो कुल मिलाकर फिलहाल यहाँ आपकी मर्जी जितना आगे तक आप जा सकते हो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं इसलिए ज्यादा लंबा नहीं जाने वाला ठीक है अब मैं एक काम करूंगा यहाँ पर मैं दिखा दूंगा कि वन सेकंड है यहां कहीं पर टू सेकंड यहां कहीं पर थ्री सेकंड और यहां कहीं पर फोर सेकंड एक ठीक है फाइव भी आपका मन कर रहा है आप रख लेना अब देखो पांच नौ पंद्रह तेईस तैतीस एक पैरामीटर सेट करो जो लगभग पांच से लेके तेतीस तो मुझे लगता है कि मैं ना छः का मानू या पांच पांच का देखो अगर मैं पांच का मानता हूं एक पाँच ये द, दस हो जाएगा ये पंद्रह हो जाएगा ये बीस हो जाएगा ये पच्चीस हो जाएगा ये तीस हो जाएगा और यहाँ कहीं पे पैंतीस हो जाएगा मुझे पैंतीस से कमी चाहिए तो ये मैंने इस तरीके से सेटलमेंट से किया स्केल को अपना इतना रखा कि ताकि मुझे ठीक ठाक मिल जाए इसीलिए मैंने पाँच पाँच के गैप में रखा हुआ सबको और मैं अकॉर्डिंगली अब सेट कर सकता हूँ जीरो पे फाइव है क्योंकि इसका नाम पाँच है मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ ये दस है जीरो का मैट ये फिफ्टीन है ये ट्वेंटी है ये ट्वेंटी फाइव है ये थर्टी है और ये वाला थर्टी फाइव है जो ये आपको ऊपर टॉप में दिखाई दे रहा है अब मुझे काम जिन जिन से मैं सिर्फ उन उनको फॉलो यहां पर करूंगा जीरो पे जब टी जीरो था ये फाइव है यानी टी जीरो पे जब मैं मेजर करूंगा तो मुझे पोजीशन फाइव मिलती है यानी इनिशियली एट टी इज इक्वल टू जीरो पर जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं पार्टिकल मीन पोजीशन से ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड है ये मैंने जानबूझ के किया था ताकि मेरा जो चीज़ें हैं वो जनरल रहे ठीक है इसीलिए अदरवाइज हम उसको जीरो ही रखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती कैलकुलेशन थोड़ा और भी ईजी हो जाता लेकिन ये भी मुश्किल नहीं है T इज इक्ल टू वन सेकंड पे आप देखोगे नाइन पे है नाइन टेन से कहीं थोड़ा नीचे होगा फाइव का गैप है तो एक एक समझ लो आप लगभग लगभग बनाओ उसको यहाँ कहीं पे लगभग लगभग एग्जैक्ट टाइम के आगे नहीं लगभग लगभग उसके बाद टू पे फिफ्टी है टू के आगे जाओगे फिफ्टीन तो फिफ्टीन एग्जैक्टली exactly वहीं पर है तो ठीक है सर फिफ्टीन यहाँ कहीं पर बन जाएगा उसके बाद आपके पास है थ्री पे ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री सर ट्वेंटी और ट्वेंटी फाइव के बीच में कहीं समवेयर है तो यहाँ कहीं पे इसके सामने यहाँ कहीं पे ट्वेंटी थ्री होगा और तीन के स्केल में अगर हम जाएंगे यहाँ कहीं पे होगा तो लगभग मुझे ये बनता हुआ दिख रहा है यहाँ कहीं पे इसको यहीं कहीं पे बनता हुआ लगभग दिख रहा है जो कि मेरे स्केल का थोड़ा गड़बड़ है तेईस यहाँ कहीं पे ठीक है यहाँ कहीं पे बनाए थे इसको ठीक है यहाँ कहीं पे तेईस के करीब और उसके बाद चार का होगा 33, 33 अगर मैं देखूँ तो थर्टी थ्री यहाँ कहीं पे बन रहा है इस तरीके से ये लगभग एक रफ़ स्केच मैंने आपके सामने बनाने की यहाँ पर फिलहाल क्या किया है कोशिश की है ठीक है थीके? अब मैं आपको कुछ एरर्स भी बता दूंगा कुछ एरर हो सकते हैं जब आप स्केल से बनाओगे ना तो कोशिश यह करना जितना डिस्टेंस ये रखा उतना ही ये रखना उतना ही ये रखना उतना ही ये रखना आपके पास स्केल होगा तो आप आसानी से कर सकोगे मैं उतनी अभी उस पर नहीं जा रहा डिटेलिंग में लेकिन मैं आपको मतलब बिल्कुल समझा दे रहा हूँ तो जितने का भी गैप इसमें रखा है वन बोलने के लिए तो उतना ही गैप इसमें होना चाहिए यहाँ मुझे बड़ा छोटा कुछ फर्क लग रहा है वैसे ही जितना गैप आपने पांच का यहाँ माने सब में वो बराबर बराबर होगा तो आपका एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा लेकिन मेरा फिर भी जो कुछ बन रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ अगर मैं इन लाइन को आपस में ज्वाइन करने की कोशिश करूँ तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता हुआ

कर्ड टाइप का जैसे यू शेप होता है ना उसका ये जो यू शेप का जो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है इस टाइप का बनेगा राइट हैंड साइड वाला इसको कहते हैं पैराबोला और ये बहुत हंड्रेड परसेंट था कि बनेगा ही बनेगा अगर आपको मेरे उसमें कुछ स्ट्रेट लाइन टाइप की या कुछ गड़बड़ी दिखाई दे रही है उसका एक कारण यही है कि ग्राफ में इरेग्युलरिटीज है अदरवाइज ये कभी भी ऐसा नहीं होता स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं है ठीक है तो आई थिंक आपको थोड़ा समझ में आ चुका होगा जो मैं रफली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ शायद आप समझ चुके होंगे तो ये होता है तो पोजिशन टाइमग्राफ के बारे में हम इतना कह सकते हैं कि सर पोजिशन टाइमग्राफ जो बनता है उसका नेचर होता है पैराबोलिक इसे कहते हैं पैराबोला कहते हैं इस पर्टिकुलर फिगर को जो मैंने बनाया इसके बारे में थोड़ी दो बातें आपको बताऊंगा पीछे में अभी ताकि आपको कुछ क्लैरिटी आ जाए पैराबोलिक होता है यानी कल भी कोई आपको बोले कि पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा बनता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में तो पैराबोलिक पैराबॉलिक नेचर बनता है और मेरा आपसे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आप इस पर जरूर वर्क करना जो मैंने आपको बताया ये सब फिगर सही है सब कुछ सही है बस आप ज़्यादा से ज्यादा और बेस्ट चाहते हो तो ग्राफ पेपर में कर लो ग्राफ पेपर में नहीं करना चाहते तो प्लीज स्केलिंग ढंग से करना हंड्रेड आपको कर््ड होता हुआ दिखेगा अगर आप और अच्छा क्लैरिटी चाहते हो तो उसको फोर से लेकर करीब करीब सेवन सेकंड तक देख लो सेवन सेकंड में आपको एकदम पता लगने लग जाएगा कि जैसे जैसे हम सेकंड्स बढ़ा रहे हैं ग्राफ में ये वैल्यू तेजी से बढ़ी है. अगर आप यहीं देखो एक बारी के लिए इनमें गैप कितने हैं चार का इनमें गैप कितने हैं छः का अब देखो गैप कितना हो गया एकदम पंद्रह नौ पच्चीस आठ का हो गया अब इसके बाद देखो गैप दस का हो गया धीरे धीरे गैप बढ़ता रहेगा बीस का पच्चीस का तीस का चालीस का ऐसे गैप बढ़ेगा तेजी से और अगर गैप बढ़ेगा तो ये ग्राफ ऊपर को जाने लग जाएगा और वहीं पैरा बोला होता है ठीक है और मैं कुछ बातें अब आपको बता देता हूं अब मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं इस आ, इस ग्राफ के रिगार्डिंग ताकि आपसे कुछ और बातें की जा सके ठीक है ना ठीक देखिएगा सिग्निफिकेंस ऑफ पोजिशन ग्राफ मैंने अभी यहीं पर आपको कुछ बातें समझा देता हूं सबसे पहले कुछ फिगर्स हैं जो कि जरूरी आते हैं आपको आने चाहिए समझ में पैरा बोला ठीक है ये क्लास इलेवंथ की मैथमेटिक्स में पढ़ने को आपको मिलेगा आगे जाकर लेकिन अभी जो बेसिक्स हैं ताकि मेरी बात जो मैंने बोला वो जस्टिफाई हो सके उसके लिए मैं कुछ आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि पैराबोला मतलब क्या देखो अभी इसे सीख लो कुछ बातें ये फ्यूचर में सीखनी होती है लेकिन अभी सीख लो काम आएगी सर दो तरह के फिगर होते हैं जो हमें दिखेंगे एक ये होता है और या फिर हमें एक ये दिख सकता है जो मैंने बनाया या फिर हमें एक दिख सकता है ये वाला ये दोनों के दोनों पैराबोलाइ फिगर है अगर ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है और सिमिलरली अगर ये वाई एक्सिस है ये एक्सिस एक्सिस है ये बेसिकली ओरिजिन है यहाँ पे ओरिजिन है यानी ये ओरिजिन है यहाँ का ओरिजिन ये तो ये दोनों के दोनों ही पैराबोला है अब मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ ताकि आपको फर्क समझ में आए कल को कोई आपको पैराबोला बोले तो आप एकदम समझ जाओ कि सर पैराबोला मतलब कुछ इस तरह की कंडीशन होगी ये होगी या तो फिर ये होगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई ये दोनों के दोनों आपको ये समझना है कि पैराबोला जब भी आएगा तो उसमें जो रेशियो होगा x और y में वो टू इज टू वन का होगा वन इज टू टू का होगा या टू इज टू वन का होगा यानी x और y की जो पावर्स होंगी वो टू इज टू वन या वन एस टू टू में जब भी दिखाई देगा आप समझ जाना कि वो पैराबोला है अगर मैं आपको बहुत शॉर्ट में बोलूं तो जब भी आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन दिखाई देगा तो आप एकदम समझ जाना कि पैराबोलाई कर्व होने वाला है जैसे यहां देखो इस एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे क्या आपको क्वाड्रेटिक लग रहा है लग रहा है दूसरे शब्दों में ये x और t के बीच में ग्राफ है और इसमें t की मैक्सिमम पावर दो और x की मैक्सिमम पावर वन है तो वन इज टू तो टू और टू इज टू तो वन टाइप का ही रिलेशन है इसलिए हंड्रेड परसेंट यह एक कैसा पाथ होगा पैराबोलाइक पाथ होगा ठीक है एक बात हल्की सी समझ पाएंगे अब सवाल ये होता है कि सर इन दोनों को कैसे पहचानें अभी आपने ये बता दिया लेकिन इन दोनों को भी अगर हमें पहचानना है तो उसका क्या तरीका है कि कौन सा वाला कौन सा होगा तो उसका बहुत सिंपल तरीका है वो ये है इस वाले में जो इक्वेशन होगी वो होगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई टाइप की अभी समझाता हूँ कैसे और इस वाले की जो इक्वेशन होगी वो होगी आ... वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टाइप की अब मैं आपको समझा देता हूँ हल्के से इतना तो आपको मैंने बता दिया कि टू इज टू वन या वन इज टू, टू टू टाइप का आएगा यहाँ एक्स की पावर दो है वहाँ वाई की पावर दो है लेकिन समझिएगा कैसे इसका तरीका यह है जिसकी पावर लेस होती है पैराबोला उसकी तरफ ओपन होता है इसमें एक्स की पावर कम है यानी वन है तो पैराबोला की ओपनिंग एक्स एक्सिस की तरफ होगी यहाँ पर आप देखोगे इसमें वाई की पावर कम है इसमें वाई की पावर कम है इसलिए पैराबोला की ओपनिंग वाई डायरेक्शन में हो रही है शायद आप समझ पा रहे होंगे ये एक जनरल तरीका है पहचानने का आई थिंक आपको पैराबोला का थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा अगर मैं आपको ये समझ में आई बात मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको कोई बोलता कि नहीं बनाना ये टेबिलेशन वगैरह नहीं करना सिर्फ इसको देख के बोलो कैसा ग्राफ होगा तो भी आप बोल देते कैसे बोलते सर तब तो हम ऐसे बोलते हैं हम बोलते हैं कि एक्स और टी में एक्स इस डायरेक्शन में यानी एक्स हमारे पीछे वाले जो हमने पीछे भी यहाँ पे जो मैंने बताया इस वाले ग्राफ के अकॉर्डिंग एक्स इस डायरेक्शन में और जो टी है वो इस डायरेक्शन में यानी अगर मैं रिलेट करवाने की कोशिश करूँ आपको कहाँ चला गया यार अच्छा अगर मैं रिलेट करवाने की कोशिश करूं तो ये एक्स जो है वो वाई एक्सेज में है अपनी और जो टाइम है वो उस वाली की एक्स एक्सेस में तो रिलेशन कहीं ना कहीं इस तरह का बन रहा है अगर आप मोटा मोटा देखो तो क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल एक्सेज में है उसकी पावर टू है और इसके तो आप देख के बता सकते हो जिसकी पावर कम है पैराबोला उसके अलाग खुलना चाहिए सच में सर पैराबोला वाई के अलांग ही खुल रहा है क्योंकि मैंने बताया ये जो चीज दिख रही है ये असल में इस कर्व का ही ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो आपको राइट रै, रेड चीज दिखाई दे रही है मैंने आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश कर दी है इस चीज को आप हल्के हल्के लिंक बैठाने की कोशिश करो और अगर आपको फिर भी क्लियरिटी एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लेना लेकिन मैंने मुझे लगता है क्लियरिटी दे दी है आपको क्योंकि ये बात मैंने आपको बता दी यही इंपॉर्टेंट थे ठीक है गौरव समझ में आया वेरी गुड अब पढ़ते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की ओर इसी इसी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में अगर आप देखोगे v इज इक्वल टू होता है u प्लस एटी हमें पढ़ना है विलॉसिटी टाइमग्राफ इसीलिए इसको सामने ले लिया मैंने विलोसिटी टाइमग्राफ का मतलब विलॉसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन यही होता है इसलिए विलॉसिटी टाइग्राफ यहीं से निकलेगा क्योंकि इसमें विलॉसिटी ये हो गई और टाइम ये हो गया बाकी इसको अलावा सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट है क्योंकि इनिशियल विलॉसिटी कॉन्स्टेंट होती है एक्सेलेशन कॉन्स्टेंट होता है आप क्लास इलेवंथ में अगर मैथ्स रखोगे तो चैप्टर नंबर टेन है वो एकदम आपको समझा देगा कि ये स्ट्रेट लाइन है अब मैं भी बता दूंगा दो मिनट में अगर आपको अभी मैथ्स नहीं भी है नहीं भी पढ़ी तो भी चिंता मत करो कुछ टाइम बाद बताने वाला हूँ लेकिन पहले एक बार प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं यानी कि ग्राफ वाले तरीके से कर लेते हैं उसके लिए हमें टेबिलेट करना पड़ेगा और कुछ एक्जम्पन्स प्रिजम्पन्स लेने पड़ेंगे जैसे यू को कुछ मान लो मान लेते हैं यू फाइव मीटर पर सेकेंड है इनिशियल वेलोसिटी एक्सलरेशन क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म है तो कुछ भी हो सकता है तो मैं कुछ भी अपने मन से मान ले रहा हूँ छोटे छोटे फिगर ये बाकी चीज़ों को आप नहीं मान सकते वो निकल के आएंगे जैसे कि वी और टी वी और टी को आप नहीं मानोगे उनकी आपको टेबल बनानी पड़ेगी और एक हल्का सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा बहुत छोटा सा देखो यहां पे रख दो t को यहां पे रख दो v को मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम हो रही होगी आपको लेकिन प्लीज़ कोशिश करो समझने की यार ठीक है ना हाँ स्टिल कोई प्रॉब्लम है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वो है टेलीग्राम व्हाट्सएप वगैरह का लिंक है वहां से आप मेरे से कनेक्ट होकर पूछ लेना अगर कोई ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो अदरवाइज़ यहां समझने की कोशिश करो देखो आराम से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर मैं करूं इस अपने डेटा के अकॉर्डिंग तो वी यू मैंने माना है फाइव ए मैंने माना है टू तो मेरे अकॉर्डिंगली इस तरह का कुछ ही बन रहा है मुझे वन बाय वन इसमें वैल्यू रखनी चाहिए टी की और वी निकल जाएगा रखते हैं जा। सर जैसे ही टी जीरो रखूंगा वी फाइव आएगा आना ही चाहिए था क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी फाइव मीटर पर सेकंड है इनिशियल वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी एट टी इज इक्ल टू जीरो तो टी इज इकल टू जीरो पर विलॉसिटी हम पहले ही मान चुके हैं तो वो आनी ही थी ऑब्वियसली तो आई भी है टी इज इक्वल टू वन रखते ही फाइव प्लस टू सेवन होगा तो दिस विल बी सेवन जैसे ही आप यहाँ पे टू रखोगे टू टू जै फोर फाइव फोर नाइन होता है तो दिस विल बी नाइन उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर फोर रखोगे फोर टू जै एट फाइव थर्टीन सो इट विल बी थर्टीन और इसी तरीके से जैसे ही आप यहाँ पे फोर रखोगे फोर टू जै एट रख दिया क्या <laughs> थ्री टू जै सिक्स छः पाँच ग्यारह अच्छा ये छः पाँच ग्यारह ना ये कितना होता है सिक्स और फाइव इलेवन ये इलेवन हो गया जैसे ही आप चार रखोगे फोर टू जी एट एट फाइव थर्टीन ये ऐसा हो जाएगा और जैसे ही आप फाइव रखोगे फाइव टू जै फिफ्टीन सॉरी फाइव टू जै टेन टेन फाइव फिफ्टीन तो कुल मिला ऐसा हो जाएगा आप देख के पता लगा सकते हो कि पाँच सात नौ ग्यारह तेरह पंद्रह बहुत बेहतरीन पैटर्न है ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रहा है बिल्कुल क्योंकि दोनों के बीच में गैपिंग सेम रह रही है अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ अब ग्राफ कैसे बनाओगे ग्राफ में सर वही काम करेंगे एक तरफ हम लेंगे टाइम की एक्सेस यानी कि यहाँ ले लेंगे टाइम को सेकंड में और इस तरफ हम ले लेंगे विलोसिटी को जो कि मीटर पर सेकेंड में हो गया ऑब्वियसली ठीक है और यहाँ पर हम सेट कर लेते हैं पाँच पाँच से लेकर पंद्रह तक जाना है बेहतर रहेगा कि आप कुछ ले लो ऐसा करते हैं हम देखो मैं ना कुछ मतलब तीन तीन के ले लेते हैं तीन तीन के ठीक है तीन आ, तीन छः तीन नौ बारह तीन पंद्रह इस तरीके से मैंने कोशिश की है तीन तीन का लूँ लेकिन कहीं भी छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन समझाने के प्रस्पेक्टिव पे मैंने आपको बोला है कि अगर आप थोड़े से भी सीरियस हैं प्लीज़ कोशिश करना कि स्केल से करो या फिर आप बहुत अच्छी ज़्यादा ही सीरियस हैं तो आप ग्राफ पेपर लेके करना उससे बहुत बेहतर रहेगा एक सेकेंड दो सेकेंड तीन सेकेंड चार सेकेंड पाँच सेकेंड इस तरीके से कुछ है तो जब जीरो सेकेंड पे फाइव पे <laughs> तीन से शुरू करा मैंने गजब गज यार मैं भी इसके बीच में फिर गैपिंग ज़्यादा आ जाएगी ना यहाँ पे फंसेंगे हम ठीक है इसको थोड़ा सा इन फिगर्स को थोड़ा सुधारना चाहिए इसको कितना मानूँ यार मैं मेरे समझ नहीं आ रहा अगर मैं दो से लेके चलूँ तो सही रहेगा क्या दो चार छः आठ चौदह सही रहेगा वैसे दो से लेके कर चलेंगे ये हल्के फुल्के साथ आप समझ पा रहे होंगे मैं कर आ रहा हूँ दो चार छः आठ दस बारह चौदह और सोलह ठीक है मैंने फोर्टीन और ये ट्वेंटी ठीक तो अब देखेंगे जीरो पे फाइव है फाइव यानी कि कहीं समवेयर यहाँ चार और पाँच के बीच में फाइव यानी कि स्टार्टिंग में जब आपने देखेंगे जीरो सेकंड पे तो वो यहाँ मौजूद है उसके बाद वन सेकंड में आप देखेंगे वो सेवन पे मौजूद है सेवन सिक्स वन सेकंड पे वो यहाँ मौजूद है इसके सामने सेवन पे टू सेकेंड पर वो नाइन पे मौजूद है यानी इसके सामने यहाँ कहीं पर थ्री सेकेंड पर वो कहाँ मौजूद है इलेवन पे मौजूद है इलेवन यानी इसके बीच में थ्री सेकंड पर थ्री के यहाँ पर ऐसे ही आप फोर सेकंड पे देखोगे थर्टीन पे मौजूद है थर्टीन यानी कि ट्वेल्व और फोरटीन के बीच में यानी फोर सेकंड में यहाँ कहीं पे और ऐसे करके आप देखोगे फाइव सेकंड में फिफ्टीन पे मौजूद है यानी यहाँ कहीं पे अगर आप इसे मीट करवाओगे ना तो एक इस तरह की स्ट्रेट लाइन मिलेगी यार ये हंड्रेड परसेंट स्ट्रेट लाइन होगी आप प्लीज़ ऐसा मत सोचना एक ऐसा ख्याल आपके मन में आ सकता है कि यार सर आप जबरदस्ती तो नहीं कर रहे पिछले वाला भी स्ट्रेट लग रहा था आपने उसे पहला बोला मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे ग्राफ की रेगुलरिटीज़ के कारण होगा जब भी दिखेगा ये 100 परसेंट स्ट्रेट लाइन होगा आप चाहे कुछ भी कर लो आप ग्राफ पेपर लेके बैठना सिर्फ पॉइंट बनाना और देखना पॉइंट कैसे मीट कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन में ही मीट कर रहे होंगे ठीक है मैं आपको बता भी देता हूं मैं हूँ कॉन्फिडेंटली कैसे कह पा रहा हूं भी बताता भी हूं फिलहाल ये स्ट्रेट लाइन है ये सर स्ट्रेट लाइन आया इतना तो हमें थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि स्ट्रेट लाइन बनेगा यानी वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा और सारी बातों को भी समराइज करता हूं क्योंकि चैप्टर फिनिश हो रहा है आज के दिन ठीक है सारी बातों को अभी मैं समराइज भी करूंगा ठीक है वेरी गुड शाबाश गौरव अब समझते हैं ठीक है अब देखते हैं नेक्स्ट चीज अब समझते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारे पास स्ट्रेट लाइन मिली अब आप, मैं आपको एक जैसे मैंने पैराबोला के लिए बताया ना आपको पहचानने का तरीका होता है वैसे स्ट्रेट लाइन का भी होता है स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है अगर मैं आपको बोलूँ तो वो इस तरह के फॉर्मेट की होती है आप ज़्यादा कंफ्यूज मत करना मैं कुछ समझाने के लिए सिर्फ ही लिख रहा हूँ जब भी आपके पास x और y की पावर में रेशियो वन इस टू वन का आएगा जैसे वहां कितना रहा था? टू इस टू वन यान वन टू, टू तो फिर किसको पहचानना है उसके लिए हमने देखा किसकी पावर कम है उसके अलांग खुलेगा वगैरह वगैरह लेकिन स्ट्रेट लाइन में बहुत सिंपल है वो कहता है एक्स की भी और वाई की भी यानी जो जिन दोनों के बीच में ग्राफ बन रहा है उन दोनों की पावर अगर वन इस टू वन के रेशियो में तो वो हंड्रेड परसेंट स्ट्रेट लाइन है ठीक है तो जैसे अगर आप इस पर्टिकुलर केस में देख सकते हो यहां पे देखो ग्राफ बन रहा है वी और टी के बीच में वी की पावर कितनी है वन टी की पावर कितनी है वन तो सर ये स्ट्रेट लाइन ही होगा हंड्रेड परसेंट अगर आप टेन मैथमेटिक्स रखते हो बाई चांस जो चैप्टर टेन पढ़ने के बाद क्लास इलेवंथ का जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ फिजिक्स पढ़ने वाले हर बच्चे को चाहे उसकी मैथ्स ना भी हो पढ़ना चाहिए स्ट्रेट लाइन जब भी आप पढ़ोगे आप इसके ग्राफ को यू बनाओगे यू यू बिना इन टेबुलेशन के तो बच्चों वाली चीजें जो हम यहाँ कर रहे हैं ग्राफ में आप यू बनाओगे इसको यू आपको एक्जैक्टली exactly पता होगा तब मैं आपसे मजे में बोल पाऊंगा मैं बोलूंगा देखो भाई एक्यूट एंगल पे है स्लोप इसका पॉजिटिव होगा वाई इंटरसेप्ट इसका पाँच पे है एकदम बना दोगे आप अभी आपको समझ नहीं आएगा मैंने क्या बोला लेकिन बन जाता है उससे एकदम से बहुत तेजी के साथ आप कोई भी बना दोगे स्ट्रेट लाइन तो आप मेरी बातों का यकीन करो वो भी मैं ही पढ़ाऊंगा आपको मैथ्स आप पढ़ भी सकते हो स्ट्रेट लाइन बना रखा पहले से भी तो ये पहचानने का बिल्कुल तरीका शायद आपको क्लैरिटी आ चुकी होगी ठीक है अब एक काम करते हैं इनको मैंने कैलकुलस मेथड से आपको पढ़ाना है वो मैं पढ़ा दूंगा लेकिन एक बार जो इंपॉर्टेंट काम है वो ये कि पहले जितना कुछ पढ़ा है एक बार उसे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं जितना कुछ आपने पढ़ा उसे रिवाइज कर लेते हैं देखो आज के दिन नहीं पहले के दिन भी हमने जो जो पढ़ा मैं एक बार कितना टाइम है हमारे पास राधे राधे अरुण देखो ध्यान से अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ जितना मैंने यूनिफॉर्म मोशन और यूएम पढ़ा उसको बस समराइज कर रहा हूँ इसका मैं आपको पाँच मिनट का एक इसका फटाफट से क्विकली बता दे रहा हूँ कैसे कैसे कवर करना है देखो यूनिफॉर्म मोशन हमने पढ़ा ये एकदम बिल्कुल हैंड आउट दे रहा हूँ आपको कि जो कुछ हमने पढ़ा उसकी समरी है ये जो आपको दिख रही है यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन का सिर्फ मतलब क्या होता है सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो हमने पढ़ा है इसका मतलब है सर विलोसिटी कॉन्स्टेंट है ये इसका मतलब था और इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होने में हमने कुछ चीजें पढ़ी इसमें एक चीज हमने पढ़ी पोजीशन टाइम ग्राफ और एक चीज हमने पढ़ी वेलोसिटी टाइम ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ और एक चीज हमने पढ़ी इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा नहीं पढ़ा इसको हमने कहा था वीटी ग्राफ इसको हमने कहा था एक्सटी ग्राफ ये एकदम समराइज कर रहा हूं सारी चीजों को अब देखते हैं नेक्स्ट चीज क्या है सर इसका पोजीशन टाइम ग्राफ जो बना था वो कुछ इस तरीके का बना था अगर आपको याद होगा यहां पर अगर मैं जनरल करूं इस चीज़ को अगर मैं इस चीज को जनरल करूं जो मैंने बनाई तो मैं आपको बता दूं कि हमारा उस समय बना था कि टी कॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लेते हैं एक्स कॉम मीटर कॉम यहां लेते थे वर्टिकल एक्सिस में और ग्राफ हमारा जो बना था इट वॉज अ स्ट्रेट लाइन आपको याद होगा आज की बात नहीं कर रहा मैं ये मैं बात कर रहा हूं इससे पहले जो मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी ठीक है तो देखिएगा वो कुछ एक स्ट्रेट लाइन टाइप का बना था आपको याद आ रहा होगा अच्छा इस स्ट्रेट लाइन में मैंने एकदम जो बात आपसे बोली थी काम की क्योंकि समराइज कर रहा हूँ पूरी बातों को इसलिए वो भी लिख देता हूँ मैंने आपको बोला था कि भाई इस लाइन का जो स्लोप होगा वो कोई और नहीं बल्कि यही यूनिफॉर्म विलोसिटी है विलोसिटी ही है वो और क्यों है क्या है इसके बारे में डिटेल में बोल बोलूंगा सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ विलोसिटी ग्राफ का अगर आपको याद होगी कहानी तो विलोसिटी ग्राफ में यहाँ पर फिर से टाइम की एक्सेस यहाँ पर विलोसिटी और विलोसिटी क्योंकि कॉन्स्टेंट है इसलिए ग्राफ ऐसा बनता था और उसका सिग्निफिकेंस ये था जैसे इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें स्लोप विलॉसिटी को रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन यहाँ का सिग्निफिकेंस है कि किसी भी टाइम इंटरवल टी और टी के बीच में अगर आप कभी भी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर देखते हो तो एरिया अंडर दी कर्व जो होता है इट रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट आपको एकदम याद आ गया होगा जो, जो मैंने पढ़ाया था जो कंटिन्यू है लेक्चर्स में अब पढ़ते हैं आज के दिन जो हमने पढ़ा ये यूनिफॉर्म मोशन था अब ये जो हमने पहले से पढ़ रखा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन इसका मतलब क्या है इसका मीनिंग है सर कि यहाँ पर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट रहता है यहाँ पे एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट रहता है आप मेरी बात शायद समझ पा रहे होंगे और एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहने के बाद हमने इसके भी दो तरीके पढ़े पोजीशन टाइम और विलोसिटी टाइमग्राफ ये इसमें कंफ्यूजन होता है इसीलिए मैं सेपरेटली यहाँ पर एक ही पेज में लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आ जाए क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाता है कभी कभी रहना नहीं चाहिए वैसे पोजिशन टाइम और विलासिटी टाइम ये आज ही है मैंने दोनों आपको क्लैरिटी होनी चाहिए जब भी आपको कभी बनाना हो ना मैं आपको फंडा बता रहा हूँ बहुत इजी है मैं आपको समझा दूंगा इसका शॉर्टकट भी क्या है लेकिन पहले इधर देखो पोजीशन टाइम यानी कि सर वही एक्सपी ग्राफ ये सर वी टी ग्राफ अब इसमें हमने देखा कि इसमें पैराबोला बना था ठीक है मैंने आपको बोला है कि इसे होमवर्क में भी आपने करना है ये टी सेकेंड टी सेकेंड में हो गया और ये पोजिशन हो गई मीटर में, में इसका जो ग्राफ बनेगा प्लीज ध्यान से देखें वो ऐसा बनेगा ये पैराबोला बनेगा ठीक है और अगर आपको कोई बोलेगा कि वेलोसिटी टाइम टाइमगार बताना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए यहां टाइम की एक्सेज है और यहां पे फिर वेलोसिटी की एक्सेज है अब इस बार आप ध्यान से समझो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो इस समय मैंने आपको पीछे दिखाया कि जो फॉर्म जो अपना ग्राफ बन रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा इस केस में एक स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ ध्यान से समझ समझे प्लीज बात को ठीक है बस इतना ये चारों चीजें मैंने आपके सामने यहाँ पर लेके लिख के रख दिया है कैसे पहचान होगी ये वाले में सर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और आपको दिख रहा होगा रेशियो क्या है यहाँ एस यानी एक्स छुपा हुआ है एक्स की पावर वन एस की पावर टू है तो ये पैराबोला टाइप एकदम समझ में आ गया वेलोसिटी टाइम वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एकदम समझ में आ गया कि ये t है ये v है दोनों के पार टू वन है स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा सर v इज इक्वल टू यू ओनली क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन जीरो होता है इस कारण ये होगा और इसीलिए कॉन्स्टेंट रहेगा इसलिए आपको दिखा ये मैथ्स की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ जो आप लिख रहा हूं पोजिशन ग्राफ कैसे बनेगा सोचो एक्सेरेशन इस वाले केस में एक्सेलरेशन क्या है जीरो तो वही फॉर्मूले में अगर आप एक्सेलरेशन जीरो कर दो इज इक्वल टू ओनली यू टी तो एस इज इक्वल टू ओनली यू टी और अगेन आप समझ सकते हो कि ये पावर वन इसकी पावर वन एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए बनी थी वाह ये सारी की सारी बातें मैंने यहाँ पर कवर कर दी है जितना कुछ मैंने अभी तक आपको पढ़ाया जितना कुछ मैंने अभी तक आपको पढ़ाया स्क्रीनशॉट बिल्कुल आप उसका लें जितना कुछ मैंने आपको बताया जो कि कंफ्यूजिंग रहता है और जो इसका क्रक्स है पूरे चैप्टर का मैं आपको इसका आराम से एक वन शॉट ले सकता हूँ पूरी चीज़ें जो मैंने आपको इतने छः दिन या सात दिन में पढ़ाई है एक एक घंटे के लगभग लेक्चर्स में अगर मैं उसको आराम से हमारे थर्टी मिनट में पूरा लेक्चर दोबारा रिवाइज हो सकता है वो मैं वन शॉट्स में कराता हूँ वो मैं अभी नहीं कराऊंगा तो वन शॉट किनके लिए होते हैं उन्हीं के लिए होते हैं, हैं। जिन्होंने एक बार ये लेक्चर एटलीस्ट देखा हुआ है क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती है ना बतानी पड़ती है स्टार्टिंग में आप टेंथ क्लास से भी आएँ तो आपके साथ रिस्क नहीं ले सकते अभी कर लो इसे वेरी गुड गौरव ठीक है तो आई थिंक आपको ये क्लैरिटी आ चुकी होगी बस अब एक लास्ट टॉपिक इसमें रह चुका है वो ये है आ, कि इसको कैलकुलस मैथड से सॉल्व करना मैं इसे स्किप भी कर सकता हूँ लेकिन स्किप ना करने के दो कारण हैं एक कारण तो यह है कि ये पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि कैलकुलस मैथड से ही सॉल्व करो एक है। और दूसरा कारण यह कि यहाँ मुझे मौका मिलेगा आपको कैलकुलस थोड़ा समझाने का क्योंकि वो जरूरी है फिजिक्स पढ़ने के लिए तो उस मौके को भुनाने के लिए हम इसको दोबारा करेंगे तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन असल में कुछ नहीं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसी को हम दोबारा डराइव करेंगे लेकिन डिफरेंट मेथड से कैलकुलस uh, मेथड से ये फिर से हम यहाँ पे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को सॉल्व करेंगे लेकिन विद हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड और इसको भी हम सॉल्व करेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्र प्लस टू वे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड ये आपका एक बार अगर हो जाएगा तो उसके बाद बेसिकली चीजें हो चुकी है क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी लास्ट लेक्चर आता है फिर पोजिशन कुल मिलाकर रिलेटिव उसका अगला लास्ट टॉपिक होगा और उसके बाद चीजें खत्म हो जाएंगी ठीक है तो आई होप सो कि आपको जो कुछ मैंने पढ़ाया वो आपको उसमें क्लैरिटी आई होगी ठीक है स्टूडेंट्स इन्हें आराम से किया करो अब जितने स्टूडेंट्स यहां पे मौजूद थे और जिन्होंने वीडियो लेक्चर को देखा कोशिश करना कि एटलीस्ट कमेंट कर कर नीचे बता दिया करो कमेंट में बताया करो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं लाइक करा नहीं करा वो पता नहीं लगेगा लेकिन कमेंट जब आप करते हो तो पता लगता है कौन सा स्टूडेंट कैसे इंटरेक्ट कर रहा है तो उसके साथ मैं भी इंटरेक्ट करता हूँ क्योंकि लाइव क्लासेस देखो कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन होती है अगर आप मेरे सामने ऑफलाइन में बैठे होते उसकी एक लिमिटेशन होती है डिसएडवांटेज है लेकिन बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं ऑनलाइन के तो उसमें छोटे मोटे कुछ डिसएडवांटेजेस जो हैं उन्हें आप फिल कर सकते हो ये लूप होल्स हैं उसमें सबसे बड़ा लूप होल ऑनलाइन क्लासेस में यही रहता है कि स्टूडेंट जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता टीचर से नहीं टीचर कम्युनिकेट कर पाते स्टूडेंट्स तो एक गैप रह लेता है कम्युनिकेशन का उस गैप को आसानी से फिल किया सकता है दो तरफा एक तरफ से नहीं होगा ठीक है इसलिए मैं अपने अंडे से पूरी कोशिश करता हूँ मैंने पूरा सेटअप ही इसलिए बना रखा है वरना मैं आपको व्हाट्सएप में पढ़ा रहा होता कि व्हाट्सएप की वीडियो कॉल में पढ़ लो आपको कुछ सुनाई नहीं देता ये हो सो इतना बड़ा सेटअप लगाने के पीछे कारण यही होता है कि आपको मेरे अंडे से एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम ना हो फिर आता है दूसरा आपका वाला एंड आपका वाला एंड क्या है कि आपको चीज़ों को तरीके से समझना है नहीं समझ में आती है हम शुक्रगुजार हैं यूट्यूब के कि यूट्यूब ने इस तरह की फैसिलिटीज़ दी रहती हैं बहुत अच्छी वाली कि मुझे आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेने पड़े उसके बावजूद भी आपको यह सुविधा दी गई है कि आप कमेंट कर सकते हो तो कमेंट का फायदा उठाएं कमेंट में आप लिखें और बहुत बेहतर रहता है कि जब आपको कुछ चीज़ पूछनी हो मान लेते हैं कि आपको पूछने की सर चालीस सेकेंड मतलब चालीस मिनट दो सेकंड में कुछ घटना घटी है आपको समझ नहीं आ रही तो आप उसको ऐसे लिखा करो सर फोर लिखा करो सर में कल जीरो लिखा करो तो चालीस मिनट दो सेकेंड एक आपके लिए हाइपर लिंक बन जाएगा ऑटोमेटिकली ब्लू कलर का अब उस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मैं डायरेक्ट वीडियो के उसी सेगमेंट में पहुंच जाऊंगा जहां पूछना जा चाह रहा हूं तो इससे क्या आता है क्लैरिटी आती है तो आप ये लिखकर अपना बाकी आगे का कोट कर सकते हो जो आपको पूछना होता है तो इससे मुझे बताने में काफ़ी आसानी होती है अगर आप डायरेक्ट पूछ लोगे मुझे याद नहीं रहेगा मैंने कहाँ क्या बोला था फिर मुझे पूरा वीडियो देखना पड़ेगा जो प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है फिर मैं स्किप कर देता हूँ ऐसे क्वेश्चन को इसलिए ये करके बोलोगे तो मैं जरूर जवाब आपको दूंगा ठीक है तो इस तरीके से अभी तो बहुत शुरुआत है हमारी अभी तो अभी तो सिर्फ शुरुआत है अभी तो हमने चैप्टर्स को पढ़ना मोशन ना प्लेन में आएंगे कितना ब्यूटीफुल चैप्टर है जब प्रोजेक्टाइल पढ़ोगे वक्टर पढ़ोगे सर्कुलर मोशन पढ़ोगे फिर जैसे हम धीरे धीरे जाएंगे लॉ हम न्यूटन लॉफ मोशन को पढ़ेंगे ग्रेविटेशन को पढ़ेंगे मैकेनिक्स को पढ़ेंगे रोटेशनल मैकेनिक्स में, को पढ़ेंगे डायनेमिक्स को पढ़ेंगे कितना मजा आएगा उसमें अभी ये सिर्फ शुरुआत है ताकि स्टूडेंट्स एक मेरे से एटलीस्ट तालमेल बना सके स्टूडेंट और टीचर के बीच में उसके लिए ये चीजें रहती हैं जैसे ही तालमेल बनना ट्यूनिंग बनना चालू हो जाती है आपको बहुत मजा आने वाला है ठीक है अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही करते हैं इलेवंथ की मैथमेटिक्स भी स्टार्ट करने वालों एन डी की प्रिपरेशन कर रहे हो एन की तो एन की क्लासेस सुबह मॉर्निंग में आठ बजे चलती हैं लाइव चलती है उन्हें फॉलो करो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो दोपहर में इसकी क्लास चलती है नीट की नीट फिजिक्स की आप वो ले सकते हो क्लास ट्वेल्थ में आप हो गए नहीं अभी अभी आप क्लास इलेवंथ में आपके भाई बहन हो सकते हैं आप उसे सजेस्ट कर सकते हो उनकी क्लास चल रही है बाकी क्लास एलेवंथ की ये क्लास चल रही है अभी के लिए डे स्टूडेंट्स इतना ही है। मिलते हैं अपने सेशन में टिल दिन गुड बाय सी यू टेक केयर जैन बाय